अभी ट्रेन खाली कराने के लिए पुलिस वाले भी आ गए, जा रहा हूँ मैं, अब उतर रहा हूँ। सुबह के बज गए हैं 6 और हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है मेड़ता रोड। अभी यहां से 2 घंटे की जर्नी है जोधपुर, पर 2 घंटे में हम जोधपुर पहुंच जाएंगे। और सुबह से अभी बैठ के मैं बस खिड़की से नज़ारे ही देख रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, अपना रंगीला राजस्थान। राजस्थान की बात ही कुछ और है यार, आप जब भी प्लान करो ना राजस्थान घूमने का, थोड़ा ज़्यादा दिन लेके आना। मेरे पास तो यार ज़्यादा दिन होते नहीं यार घूमने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपना काम चला लेते हैं, दौड़ धूप के सारी चीज़ें कर लेते हैं, घूम लेते हैं। लेकिन आप जब भी राजस्थान का प्लान करो तो एकदम मस्त टाइम निकाल के आना, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मस्त एकदम सुबह सुबह फ्रेश मॉर्निंग में। और ये है मेड़ता रोड का स्टेशन, कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है। चिड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सही लग रही है, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा सही लग रहा है यार। इस सुबह सुबह जब मैं ट्रेन से उतरा तो यहाँ पे देखो ये चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है यार ये मोमेंट। अभी हमारी ट्रेन मेड़ता रोड से स्टार्ट हो गई है अब जोधपुर जाने के लिए, यहाँ से तकरीबन 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे ब्लू सिटी जोधपुर। तो फाइनली हमारा स्टेशन आ गया है जोधपुर और पूरी ट्रेन खाली हो गई है। अभी मैंने सोचा यार गेट पे जाके क्या खड़े रहना, मैं सबको उतर जाने देता हूँ फिर उसके बाद जाके उतरूँगा। अभी ट्रेन खाली कराने के लिए पुलिस वाले भी आ गए, जा रहा हूँ मैं, अब उतर रहा हूँ। तो अभी मैं उतर चुका हूँ यहाँ पे जोधपुर सिटी में। इस बार मैंने हॉस्टल पहले से ही बुक करा लिया था, तो अभी स्टेशन से बाहर निकलूँगा मैं और जाऊँगा अपने हॉस्टल में। हॉस्टल देखते हैं अभी कितनी दूर है, उसके बाद फिर घूमने निकलेंगे, फिर ब्लू सिटी को देखने निकलेंगे और आपको भी दिखाएंगे ब्लू सिटी में क्या क्या है। हर रेलवे स्टेशन पर ना 2 येलो कलर के बोर्ड होते हैं, एक शुरू की साइड होता है, एक एंड की साइड होता है। तो मैं शुरुआत वाले पे गया था, वहाँ पे कोई मिला नहीं था तो मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई। फिर मैंने सोचा कि यार दूसरी जगह जाके ट्राई करते हैं, वहाँ क्या पता कोई मिल जाए, तो वहाँ भी कोई नहीं था। लेकिन एक भैया थे वहाँ ट्रेन से लगेज उतार रहे थे, तो मैंने उनको बोला यार कि मेरी फ़ोटो खींच दो, यहाँ पे कोई है नहीं। उन्होंने कहा अभी 2 मिनट रुक जाओ, सामान उतारने के बाद मैं आपकी फ़ोटो खींच दूंगा। तो फाइनली उन्होंने फ़ोटो खींच दिए, अपने छोटे मोटे शौक हैं ये भी पूरे हो गए। और वो वाली फ़ोटो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और अभी फटाफट हम बाहर चलते हैं और चलते हैं अपने हॉस्टल में। तो अभी रेलवे स्टेशन से मैंने ऑटो ले लिया था, 60 रुपीज़ लिए उसने 5 किलोमीटर के। और मैं पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल मुस्तैस, अभी अंदर जाते हैं और फ्रेश होते हैं। चुका हूँ अपने हॉस्टल में, यहाँ रिसेप्शन पे कोई दिख नहीं रहा है, अभी कोई आता है तो देखते हैं। मतलब अभी हॉस्टल में तो मैं पहुँच चुका हूँ और अभी रूम खाली नहीं है, उन्होंने कहा यार 12 बजे से पहले आपको रूम नहीं मिल सकता है। तो अभी बज रहे हैं 9, मेरे पास 3 घंटे हैं। तो 3 घंटे में मैंने ऐसा सोचा है कि यार मैं यहाँ पे फ्रेश हो जाता हूँ और लगेज रूम में अपना मैंने लगेज रख दिया है, फ्रेश होता हूँ तब तक, और फिर मैं फ्रेश होके
घूमने निकल जाता हूँ। घूमने के बाद फिर आके देखते हैं, फिर रूम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ के वॉशरूम में और वॉशरूम में आपसे बातें कर रहा हूँ। तो आज हम ब्लॉग एंड करेंगे वॉशरूम के अंदर। तो कैसी लगी आपको मेरी दिल्ली से जोधपुर तक की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं ऐसे ही जगह घूमते रहता हूँ और आपको भी घुमाते रहूँगा, और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जहाँ मैं जोधपुर में घूमने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।